और अब खबर एथेनॉल की कीमतों को लेकर। इटनॉल स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अगले शुगर सीजन के लिए एथेनॉल की कीमतों में इजाफे को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने और क्या क्या फैसले लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या अपडेट है और क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सोर्स बेस्ड नहीं है, सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है और सारी जानकारियां अब दे दी गई हैं। और ये ज़रूर है कि हमने अपने दर्शकों को पहले इसकी जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मुहर। प्रकाश, अभी आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, अभी थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है जिसको दूर करते हुए आपके पास दोबारा आपसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बता दें कि कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत एथेनॉल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद अगले शुगर सीजन के लिए एथेनॉल की कीमत बढ़ सकती है और कैबिनेट से पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी राशि को मंजूरी दी गई है। रवि सीजन 2022-23 के लिए फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी बढ़ाई गई है, तो ये बड़ा फैसला है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी, जिनसे भी संपर्क टूट गया था। प्रकाश, बताएं पूरी जानकारी। देखिए, सरकार ने हमारी दोनों ही खबरों पर मुहर लगाई है, औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। दो अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। जो पहली घोषणा सरकार ने की है, जो पहला अहम फैसला है वो है किसानों से संबंधित, यानी कि फर्टिलाइज़र की कीमतों में, यानी कि जो सब्सिडी की रकम सरकार देती है फर्टिलाइज़र प्राइसेस को निर्धारित करते वक्त, उसको रबी सीजन के लिए नए रेट की घोषणा की गई है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो जाहिर तौर पे किसानों को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। करीब करीब जो रबी सीजन, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से हो रही है, जो कि 31 मार्च 2023 तक रबी सीजन रहेगी, इसके लिए करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रकम की घोषणा सरकार ने की है। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये जो घोषणा की गई है उन फर्टिलाइजर्स NBS कैटेगरी के फर्टिलाइजर्स, यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें कि DAP, पोटाश जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो शामिल है, ये यूरिया से अलग हैं, उन फर्टिलाइजर्स के लिए ये घोषणा की गई है। जाहिर तौर पर रबी सीजन में किसानों को इसका फायदा होने जा रहा है। जो दूसरा अहम फैसला सरकार ने लिया है वो है अगले एथेनॉल शुगर सीजन के लिए एथेनॉल के प्राइसेस में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। करीब करीब 2 रुपए तक प्रति की बढ़ोतरी की गई है। इससे ये होगा कि